ये सब क्या? आज हमारे कॉलेज में खेलों का मुकाबला था, ये सारे कप मैंने जीते हैं। अच्छा, शाबाश। दीदी, दीदी तुम कब आई वसंती? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलता दीदी? 8 बरस से दिन रात मेहनत करते करते तुम खुद एक मशीन बन के रह गई हो। पगली कहेंगी, काम करने से आदमी क्या मशीन बन जाता है? अरे जान पड़ता है, आज कॉलेज के सारे कप तुम्हीं ने जीते हैं। हाँ दीदी, देखो ना, ये कप दौड़ के मुकाबले का, ये साइकिल रेस का और ये स्किपिंग का। मुबारक हो। मुझे डर लगता है तुम्हें कहीं नजर न लग जाए। माँ को कहती हूँ तुम्हारी नजर उतारे। माँ, माँ, अरे ये तो मेरे कहे बगैर तुम्हारी नजर उतारने आई। माँ पहले दीदी को लगा दो ना। मुझे? मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है जो नजर लग जाएगी? अच्छा तो तुम्हें कोई खूबी नहीं? इतने बरसों से तुम सारा दिन मशीन पर सिलाई करती चली आई हो, सारे खानदान का बोझ हंसी खुशी तुम अपने कंधों पर उठाए हुए हो और अपना पसीना बहा बहा कर तुम अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही हो। मेरी तो सब सहेलियां यही कहती है कि तुम्हारे जैसी बहन उनकी न हुई। क्या तुम्हें उन सबकी नजर नहीं लगेगी? गीता, वसंती ठीक ही तो कह रही है। चलो तुम दोनों साथ साथ खड़ी हो जाओ। आओ दीदी, आओ ना। भगवान करे तुम दोनों बहनों की जोड़ी सदा खुश रहे। In the last class, you remember I was talking to you on the concept of true love as expounded by Shakespeare in his immortal play, Romeo and Juliet. The concept of true love is given a new halo by Shakespeare in his Romeo and Juliet. The path of true love, says he, never runs smooth. The lovers who love each other from the bottom of their hearts have to go through various difficulties and ordeals before they can attain their objective. But this fact does not deter the lovers from their love. It does not unnerve them. On the other hand, it puts in them the courage and gives them strength to meet their ordeals. Shakespeare's lovers are characterized by their sincerity and nobility. Their love is something ordained, as it were, by God. Romeo and Juliet are quite well aware of the difficulties in their path of true love. But they are undaunted. They meet clandestinely, make merry, and decide to marry. Romeo admires openly Juliet's immaculate beauty. Sir Raj, the physical director wants you. Yes. Let me continue. Their love is no mere fancy, but alas, Romeo and Juliet are unaware of the fact that many human calculations are always upset by the unseen hand of God. वसंती, तुम्हारा खत। खत? तुम्हें पढ़कर सुनो। लेकिन खत तो तुम्हारे नाम है। तो क्या हुआ, पढ़ो ना। मैं डियर वसंती, जब पहली बार तुमसे मेरी मुलाकात हुई तो मोहब्बत के देवता ने अपने फूलों से सजी हुई कमान उठाकर एक तीर खींचकर मेरे सीने में मारा। एक अजीब सा दर्द मेरे दिल में उठा। आज वही दर्द मेरी जिंदगी की खुशी बन गया है। मैं जान गया हूँ कि इस दर्द का दूसरा नाम मोहब्बत है। वसंती, तुम्हें भूलना मेरे बस की बात नहीं। जितना भूलता हूँ तुम और भी ज्यादा याद आती हो। तुमसे मिलने के लिए दिल तड़प रहा है। क्या एक बेकरार दिल की इल्तिजा सुनोगी? तुम्हारी मुलाकात का दीवाना, शमा का परवाना, राज, शकुंतला के नाम
दुष्यंत का ये प्रेम पत्र है। लो वसंती, मोहब्बत के इस खजाने को संभाल के रखना। जहाँ शहद होता है मक्खी भी वहीं आती है। राज की नजर पड़ी भी तो वसंती पर, बड़ी जादूगरनी है। होगी अपने घर में, हम यहाँ पढ़ने आती हैं या लड़कों पर जादू डालने? मॉर्निंग सर। राज, तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या लड़कियों को लव लेटर लिखने? जी, लव लेटर? मैंने तो कोई ऐसा लव लेटर नहीं लिखा। क्या ये तुम्हारे दस्तखत नहीं है? जी सर। क्या मोहब्बत की ये शायरी तुम्हारे दिमाग की पैदावार नहीं है? जी लेकिन मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। एक शरीफ घर की लड़की के नाम ऐसा वाहियात खत लिखना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन सर बहाना बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से कॉलेज का नाम बदनाम हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज और हॉस्टल दोनों से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो। मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। यू कैन गो। प्लीज सर, मर्सी सर, प्लीज गो आउट। यार मैं बहुत मुसीबत में। कैसी मुसीबत? मैंने शादी कर ली। हाँ? शादी? अबे तेरे साथ किसने शादी की? क्यों? मेरी शक्ल शादी के लायक नहीं है क्या? तो तेरी शादी के लायक है। हाँ? लेकिन शुरू से तो तू ब्लफ मास्टर है। तेरे साथ किसने शादी की? राज, तू ये सुनकर और खुश होगा कि मैंने शादी ब्लफ से की। किसे? ब्लफ? लड़की का नाम ब्लफ है क्या? अरे मेरी बीवी का नाम ब्लफ नहीं यार। हाँ। ये मैंने धोखे से शादी की। धोखे? हाँ। मेरी बीवी का बाप है ना। हाँ। यानी मेरा ससुरा। हाँ। वो ये कहता था कि मैं अपनी लड़की को उस लड़के को दूंगा कि जो कहीं अच्छी नौकरी करता हो। हाँ। अच्छी तनख्वाह पाता हो। हाँ। बस मैंने एक सिंगल झूठ बोला। हाँ। और एक सिंगल शादी कर ली। वो ऐसे कि मैंने कह दिया कि साहब मैं कुमारन कंपनी का मैनेजर हूँ और 400 रुपये मेरी तनख्वाह है। झूठा कहीं का। सच बोलकर सारी उम्र कुमारा रहता क्या? तुम तो कॉलेज में पढ़ते थे ना, अब समझा। घर से पैसे मंगा कर पार्क में जिंदगी बसर कर रहे हो? है? खुशी से नहीं मुरली, एक अजीब मजबूरी है। खैर भाई देखो, हमारे रमी का प्रोग्राम तो खत्म हो गया, अब तुम्हारे मजबूरी की राम कहानी सुनते हैं। जरा सुनाओ देखें। कहानी बाद में सुनाऊंगा, आजकल तो मैं एक नौकरी की तलाश में। राज, एक के बजाय दो नौकरी ढूंढना, एक मेरे लिए भी। यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती। बोली तू और नौकरी की कोशिश कर। अच्छा है, कम से कम कोशिश तो करता है तू। अरे कोशिश क्या, कल ही मुझे पता चला था कि एक ऑफिस में नौकरी खाली है। फिर क्या हुआ? तो पहुंच गया वहाँ मैनेजर के सामने। फिर उसने न मेरी डिग्री पूछी, न एजुकेशन पूछा, न कुछ पूछा। भक्ति बात पूछने लगा। क्या कहने लगा? कहने लगा आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, हॉकी खेलते हो, क्रिकेट। मुरली मुरली मुरली, इस ऑफिस का पता मुझे बता सकता? तू तो जानता है मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुनता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ। तू तो जानता है मैं अपने जमाने में चैंपियन था स्कूल का। अरे स्कूल का क्या, कॉलेज का भी चैंपियन था। हो सकता है तेरा बताया हुआ पता मेरे काम आ जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ चल, हो सकता है कि तेरी भलाई मेरे हाथों लिखी हो। तेरी साइकिल। नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, नौकरी। तीन सौ रुपये महीने तक। हो मुबारक, हो मुबारक, हो।
देख तुझे अब नौकरी दिला दी ना, अब तेरे रहने का भी ठिकाना कर देता हूँ। तू कहता था ना रहने का ठिकाना नहीं है, चल मेरे घर चल। नहीं चलना यार, क्या नहीं, मेरा घर तेरा घर। तो ये है तुम्हारा मकान? फर्नीचर तो बड़ा शानदार। ये सब किराए का फर्नीचर है। चंचल दिया, चंचल चंचल ये देखो कौन है, मेरा पुराना फ्रेंड राजन। राज ये तुम्हारी बीवी? नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी मिसेस मुरली, मिसेस चंचल मुरली। नमस्ते भाभी। चंचल ये बड़ा कमाल का आदमी है, अभी अभी इसने एमए पास किया है। अरे तुम चुप रहो जी, अजीब आदमी हो, जब मैं इसकी तारीफ करता हूँ मेरा मुंह बंद कर देता है। एमए पास करके मारा मारा फिर रहा था, मुझे इसकी बेकारी देखी नहीं गई, मैंने इसे अपनी कंपनी में जगह दे दी, आज से ये कुमार कंपनी का सेल्स मैनेजर है। पर मुझे मैं तो फिर बोलने लगा, कहा जो है कि चुप रहे, तेरी भाभी से तो कह दूं कि तू मेरी कंपनी में नौकर हो गया है। चंचल रहने का ठिकाना नहीं था, मैं यहाँ ले आया। चंचल ये बचपन में मुझे बहुत मारा करता था, मेरी किताबें भी चोरी करता था, लेकिन आदमी वही है जो दूसरों की बुराई को भूल जाए। वैसे दिल इसका भी अच्छा है। भैया ये आपका अपना घर है, किसी बात का तकल्लुफ ना करना, मिलजुल का गुजारा करेंगे। शुक्रिया भाभी। अच्छा आप दोनों बात कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तू झूठ बोलने लग गया, दिन भर तो तू मेरे साथ था, चाह कहाँ पी तूने? डार्लिंग गरम गरम दो प्याली चाय ले आना, एक ये भी पी लेगा। अरे तेरे बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी यार, तू बात नहीं आएगा। माता है वो, मारूंगी तो और क्या करूं, झूठ तो इस आसानी से बोल जाता जैसे दर्जी सुई में धागा डाल लेता हो। कम से कम इतना तो सच कह दिया होता कि मैं कुमारन कंपनी में नहीं एवरग्रीन टी कंपनी में काम करता हूँ। तुम दखल ना दो जी। क्यों ना दखल दो जी, अपने साथ मुझे भी कुमारन कंपनी में शामिल कर लिया। लोहार कहीं का देख रहा है, तुझे एवरग्रीन टी कंपनी में नौकर हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, और मैं कितने दिनों से आराम से कुमारन कंपनी में नौकर हूँ। मैं तेरी खातिर कुमारन कंपनी बदल नहीं सकता, अगर मैं कुमार तो तू कुमार, मैं लोहार तो तू लोहार। अबे चल लड्डू कहीं। क्या हुआ भाई, अपनी ऑफिस तो आ गई? समझा। अच्छा तो बाय बाय। सुनिए मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मुझसे? फिर कोई कसूर किया है मैंने? आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो अपनी कसूर की माफी मांग रही हूँ। माफी? और आप? जी वो खत मेरी सहेली के हाथ लग गया था, सबने पढ़कर खूब मेरा मजाक उड़ाया, और गुस्से में मैं प्रिंसिपल के पास चली गई थी। अगर मुझे पता होता कि वो आपको कॉलेज से निकाल देंगे तो मैं वो खत उनको कभी न देती। फिर क्या करती? बार बार पढ़ती और खुश होती। सच? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? इसमें माफी क्या बात है, कभी कभी बुराई में भी तो भलाई की सूरत निकल आती। जानते जिस दिन कॉलेज से निकाला गया उसके दूसरे दिन मुझे 300 रुपए की बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। सच? फिर तो मुझ पर गुस्सा नहीं है ना? वो सब था लेकिन इस बात का नहीं। तो फिर किस बात का? इस बात का तुमने मुझे कभी प्यार की नजर से नहीं देखा। और अब? अब? वो सब प्यार में बदल गया है। सुनो फिर कब? अच्छा ये तो बताइए आजकल रहते कहाँ हैं आप? क्या करोगे पूछकर, जब से उसको छोड़े खपती दोस्त के यहाँ रहता हूँ। बड़ा अजीब सा घर है, न जाने कौन सी मुसीबत किस दिन मुझ पर आन पड़े। कोई अच्छा सा घर मिले तो बदल। याद आया हमारे घर में कमरा खाली है। तुम्हारे घर? तो सीधे वहीं चलो। नो 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 इतनी जल्दबाजी नहीं। देखिए इतवार को मैं घर पर ही होती हूँ, आप वहाँ आ जाइए, लेकिन एक बेगाने की तरह, जैसे हमारी जान पहचानी ना हो। समझ गया। और संभाल कर बात करना वरना कमरा नहीं मिलेगा। तुम फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूंगा। पता क्या है? नंबर 7 गली शिवाजी गली। रास्ता? चरनी रोड। चरनी रोड तो एतवार को मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा अब मैं जाऊं। बाय बाय। बाय। याद रखना एतवार को। ये
कैरम खेल रहे हो या क्रिकेटर? वो क्या है? मैं उल्टी दिया नहीं कर रहा हूँ। बच्चे निकालो। निरंजन कोई उल्टी नहीं कर रहा। कौन जीत रहे हैं जी? अब तो दोनों बराबर जा रहे हैं जी। चंचल, स्कूल के दिनों में मैं कैरम का चैंपियन हुआ करता था जी। जी, हर साल दो तीन कप घर ले आया करता था जी। जी जी, जब मैं मैट्रिक में पहुंचा ना तो मेरे पास तीन दर्जन चांदी के कप थे। जी 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 जी, तुम्हारी सर की कसम। तो आपका है वो कप? अब भाई, मेरी बहन की शादी हुई ना तो इन कपों का टी शर्ट बना के उसके दहेज में दे दिया। बोली तो तुम्हारी तो कोई बात यार, तुम फिर बोले किसी की माँ बहन की बातों में दखल नहीं दे रहे। चंचल बेटी कौन है? ओ चाचा जी, चाचा जी आइए आइए। दिल्ली से कब लौट के आए? कल ही आया हूँ बेटी। कैसा रहा आपका सफर? ओ, बहुत अच्छा था। घर में तो सब ठीक है ना? ठीक है। बैठे बैठे। अच्छा मैंने कहा जी, जरा इधर आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ? आप हमारे चाचा जी हैं, यानी कि मेरे पिताजी के मौसी के लड़के। ओ, आपको तो कहीं देखा है। कहाँ देखा है बेटा? आपकी भतीजी की शादी, मेरी जब शादी हुई तो आप बरात का स्वागत कर रहे थे। उस वक्त मैं घोड़ी में बैठा हुआ था। घोड़ी ने बाजे के शोर से घबरा कर लात मारी तो आपकी टांग लगड़ा गई। लेकिन चंचल की शादी के रोज तो मैं कंपनी के काम पर दिल्ली गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। सोचा कि अपने दामाद को तो जाकर देखाऊं। जी वो कौन था जिसकी टांग टूटी थी? अरे ये भी तो हो सकता है कि इन्हीं की शक्ल का कोई दूसरा आदमी है। जी जी, यही बात होगी, यही बात होगी। अच्छा चंचल, हमारा बेटा आजकल करता क्या है? पकोड़े खाता है। ओ लीजिए, आप भी खाइए, बड़ा चटपटा बना हुआ है। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि नौकरी करते हो या कोई बिजनेस? नौकरी कर रहा। चाचा जी, ये कुमारन कंपनी के चीफ मैनेजर है। और मेरा दोस्त उस कंपनी का सेल्स मैनेजर है। कुमार एंड कंपनी का? जी क्यों, अच्छी कंपनी नहीं है? अच्छी ही होगी, लेकिन वो कंपनी बेचती क्या है? बेचती जी, वो बेचती नहीं, वो खरीदती। इनका मतलब है जी, उस कंपनी में जो कुछ भी अंदर आता फिर बाहर नहीं जाता। करेक्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चंचल बेटी, जिस कुमार एंड कंपनी का जिक्र कर रहे हैं ना, उसका चीफ मैनेजर तो मैं हूँ। मैं? हाँ, चीफ आप मैनेजर। लेकिन आप किस कुमारन कंपनी का जिक्र कर रहे हैं? हाँ। बम्बई में तो एक ही कुमारन कंपनी है। हाँ? राज, ये कैसे बम्बई में एक ही कुमारन कंपनी है? एक ही कुमारन कंपनी है? ठीक ही तो कहते हैं। हाँ? लेकिन हम जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है राजकुमारन कंपनी और आप उसके चीफ मैनेजर हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझसे गलती हुई होगी। बेटा जरा अपनी कंपनी का पता तो लिख दो, मैं कभी कभी वहाँ आकर मिल जाया करूँगा। आप राज, अपने राजकुमार कंपनी का विजिटिंग कार्ड देना। तो जी जी, विजिटिंग कार्ड मेरी कोट की जेब में है। जी राज, राज जल्दी से साइकिल पर जाना, चाचा जी को देर होती होगी। हाँ चुप राव जी, चाचा जी चाय पीजिए। पीजिए। गजब का ब्लफ मास्टर है ये लड्डू, अपने साथ मुझे भी कांटों में घसीटता। अब तो यहाँ एक मिनट भी और ठहरना धर्म का काम नहीं। किसको बेटा यहाँ से किसको? चंचल बेटी, बुरा ना मानो, एक बात कह दूं, तुम्हारे पति की नौकरी में कुछ गड़बड़ है, जरा होशियारी से रहना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा दादाजी। समझ गई हूँ, सब समझ गई हूँ। अभी पिताजी को तार देती हूँ कि अगली गाड़ी से फौरन यहाँ पहुँचो। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों तार के पैसे जाया करती हो, मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ, सचमुच मैं बेकार हूँ। बेकार हो? बिल्कुल बेकार हो। मैं तब देख कर जवाब देना, क्या तुमने नौकरी का सब ढोंग रचा रखा था? चंचल माय डियर चंचल, शादी के दिन से लेकर आज तक मैं तुमसे झूठ बोलता रहा, किस लिए? इस पापी पेट के लिए। अरे अगर मैं सच कह देता तो तुम मेरा खाना नहीं बंद कर देती? हाँ
दीदी अभी तक नहीं आई, बहुत देर से गई हुई है। घर के लिए कितना सामान खरीदना है, वक्त तो लग ही जाता है, बस आती ही होगी। कोई ऊपर का कमरा किराए के लिए खाली है? है तो सही, लेकिन तुम्हें अपने लिए चाहिए या किसी और के लिए? अपने लिए चाहिए। माँ, न जान न पहचान इस तरह कमरा कैसे दे दी? कौन जाने कैसा आदमी है, देखने में तो अच्छा लड़का नजर आता है। सुनिए, आप किराए क्या देंगे? किराए? कमरा पसंद आ गया तो जो मांगेगा दे दूंगा। किराया कुछ ज्यादा नहीं बेटा, सिर्फ 50 रुपए महीना है, और इसके अलावा 3 रुपए बिजली के, 2 रुपए पानी के और 1 रुपया भंगन का। और कोई बात हो तो वो भी बता दीजिए। एक बात और है, घर में सिर्फ पीने का पानी है, नहाने के लिए घर के पिछवाड़े में कुआं है, वहां जाना पड़ेगा। और कुछ? हाँ, कुएं से पानी खींचने के लिए हमारी रस्सी और बाल्टी इस्तेमाल की तो उसके 12 आने अलग देने पड़ेंगे। और अगर मैं अपनी रस्सी और बाल्टी खरीद लूं तो उस सूरत में जब आप कमरा खाली करेंगे वो रस्सी और बाल्टी हमारी हो जाएगी। मुझे मंजूर है। और सुनिए, कमरा हवादार भी नहीं है, चारों तरफ से बंद है। ये तो और भी अच्छा है, मुझे अक्सर जुकाम रहता है, साइनस की शिकायत भी है, हवा से मैं बहुत परहेज करता हूँ। और ये भी सुन लीजिए, कमरे में मच्छर बहुत है। फिक्र मत कीजिए, मेरे पास मुसेरी है, मुसेरी मुसेरी। अच्छा, और खटमलों की भी कमी नहीं, रात भर सोने नहीं देंगे। मेरा चमड़ा काफी खुरदरा है, खटमल तो खटमल, अगर बिच्छू भी काटे तो उसका भी असर नहीं होता। बेटा पहले चल के कमरा तो देख लो। कमरा देखने की क्या जरूरत है, मुझे तो रात को सर छुपाने की जगह चाहिए। सामान मैं अपने साथ ले आया हूँ। और हाँ, ये लीजिए, महीने का किराया पेश की। बेटी इन्हें साथ ले जाकर ऊपर का कमरा दिखा दो। तुम लव लेटर लिखता? हाँ तो सुनो, जानती हो मेरा हाथ छूने की क्या सजा है? 10 बार उठक बैठक करनी पड़ेगी। तो मैं 100 बार करने के लिए तैयार हूँ। शर्म नहीं आती? देखो मिस्टर, ये घर है, यहाँ हंसी मजाक, छेड़छाड़, प्यार व्यार कुछ नहीं चलेगा। ये सब बातें घर से बाहर, यहाँ तुम सिर्फ किराएदार हो और मैं लैंडलेडी। लैंडलेडी की बेटी, समझी? बिल्कुल बिल्कुल, तुम समझा ले ना सकती। और देखो, हर सुबह जब मैं कॉलेज हूँ तो 2 बार जोर जोर से कहा करूंगी, माँ मैं जा रही हूँ, माँ मैं जा रही हूँ। मुलाकात का सिग्नल है। और तुम मेरे पीछे 5 मिनट बाद घर से निकला करो। 5 मिनट मैं मोड़ पर तुम्हारा इंतजार किया करूँगी।
पांच मिनट की जगह दो मिनट नहीं हो सकता? जो मैंने कहा है वैसे करना पड़ेगा, वरना कॉलेज की तरह घर से भी निकाल दिया जाओगे, समझे? वसंती, जाना, मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं भागे भागे नीचे चली आई। वसंती, कौन है वो? जाने कौन है, मैंने तो उसकी सूरत भी अच्छी तरह नहीं देखी, कहीं से किराए का कमरा ढूंढने चला आया, माँ ने भी सोचा ना समझा हाँ कर दी। कम से कम माँ को तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? ऊपर का कमरा किराए पे देने का फैसला तो हमने पहले से कर रखा था। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन जवान लड़कियों के घर में किसी हट्टे कट्टे को किराएदार रख लेना क्या अच्छा लगता है? कौन जाने कैसा आदमी है। जैसा भी हो हमें क्या, अपना आप अच्छा होना चाहिए, कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन वसंती, देखने में तो बुरा आदमी नहीं लगता। अच्छा, तो तुमने भी उसे सर्टिफिकेट दे दिया, फिर मुझे सोचने की जरूरत थी क्या है? वसंती देख, मैं तेरे और अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा लाई हूँ, कैसा है? बहुत अच्छा है दीदी, तुझे ये कपड़ा दिखाने ही तो ऊपर गई थी। अच्छा हुआ उल से उसे नहीं दिखा दिया, जितनी शरीर रहेगी। माँ, मैं जा रही हूँ। माँ, मैं जा रही हूँ।
ऐसी भी जल्दी क्या है, हमको भी साथ ले लो, जाने दो गुस्सा अब तो, हाथों में हाथ ले लो। ऐसी भी जल्दी क्या है, हमको भी साथ ले लो, जाने दो गुस्सा अब तो, हाथों में हाथ ले लो। देखो दीवाना कैसी बत्तियां बना रहे, मेरे आगे एक दीवानी है जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे दिल को चुराए है, मेरे पीछे एक दीवाना। गालों में दिन देखा, बालों में रात देखी, मुझ में जनाब बोलो ऐसी क्या बात देखी, गालों में दिन देखा, बालों में रात देखी, ऐसे न देखो मेरा जिया घबराए है, मेरे आगे एक दीवानी है जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे दिल को चुराए है, मेरे पीछे एक दीवाना, कुछ अलबेला मस्ताना, कोई रोकोगे मुझको सताए है, मेरे पीछे एक दीवाना। इंतजार कर रही थी, इतने देर क्यों लगा दी? रास्ते में साइकिल खराब हो गई थी दीदी। अच्छा, माँ मैं जा रही हूँ, माँ मैं जा रही हूँ। भगवान से मैंने प्रार्थना की है कि अगर तू बीए में पास हो जाएगी तो मैं सत्यनारायण की पूजा कराऊंगी। तो ये बात है, फिर तो दीदी तुम पंडित जी को अभी से खबर भेज दो। अच्छा दीदी तुम अभी तक सोई नहीं? मैं सो गई तो तुझे भी नींद आ जाएगी ना। दीदी दीदी इम्तिहान खत्म हो गया, मैंने सभी पर्चे अच्छे किए हैं, देखना मुझे फर्स्ट क्लास जरूर मिलेगी। अच्छा वसंती, वो कितना शुभ दिन होगा जब मेरा सपना सच होगा। वसंती, गीता ने दिन रात एक करके इतने दिनों सारे घर का बोझ अपने सर पे उठाया है, जब तू पास हो जाएगी तो गीता का बोझ तुझे ही हल्का करना होगा। बस करो ना माँ, क्या तुम इसी इंतजार में थी कि वसंती का इम्तिहान खत्म हो और तुम अपनी पुरानी कहानी छेड़ दो? कुछ गलत तो नहीं कहा माँ ने,
देखो दीदी, आज के बाद तुम्हारा ये सीना करोना बंद। घर के कामकाज भी माँ का हाथ मैं बताया करूंगी और कल से ही नौकरी की तलाश भी शुरू कर दूंगी। नौकरी? किसी नौकरी की तलाश है आपको? जी हाँ, इम्तहान खत्म हो चुका है, नौकरी करने का ख्याल है। बहुत अच्छा ख्याल है। हाँ बेटा, तुम्हारे दफ्तर में या कहीं और जगह खाली हो तो वसंती को बताना। बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। मेरे यहाँ तो नहीं, लेकिन आज ही मैंने टाइम्स में एक इश्तहार पढ़ा है, दिसाई मोटर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक जगह खाली, अगर आप मुनासिब समझे तो वहाँ कोशिश कर देखिए। राज, अरे मुरली, अरे वाह मुरली, तू कहाँ से अंतप करे? अभी फल का क्या कहना, पक गया टपक पड़ा, मैं तो तुझसे मिलने आया। अरे हाँ, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त मुरली है। नमस्ते। तुम बैठो। अरे बैठ, तू बैठ गया यार। राज बेटा, ये कहाँ काम करता है? काम? 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 अजी साहब, मैं गिरधारी लाल कपूर चंद एंड कंपनी में हेड क्लर्क हूँ। इससे पूछो बेटा, इसके दफ्तर में कोई नौकरी हो? जी, नौकरी? राजू, नौकरी किसके लिए? इनके लिए। इनके लिए? यार इतनी अच्छी लड़की अभी तक बेकार। राजू तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पिछले महीने मैंने 4 लड़कियों को अपने दफ्तर में नौकरी दिलाई। पिछले महीने की बात छोड़ो मुरली, अब की बात करो ना। अरे अब क्या हो सकता है, कल ही हमारी प्रोपराइटर की बीवी मर गई, इस खुशी में उसने आधा स्टाफ कमती कर दिया। देखिए जिस जगह का मैंने आपसे जिक्र किया था ना, अब वहाँ कोशिश कर देखिए, मुझे उम्मीद है आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी। जी मैं कल ही कोशिश करूंगी। अच्छा जी, नमस्ते जी। तो गिरधारी लाल कपूर चंद कंपनी का हेड क्लर्क है? अरे यार वो सब बकवास है, अपनी जान खतरे में थी ना, इसलिए कुछ ना कुछ ब्लफ मारना ही पड़ा। ये तो तेरा पुराना पेशा है। अरे राज, क्या हुआ? तुझे तनख्वाह मिली? तनख्वाह? हाँ जी मिली, लेकिन ये तू क्यों पूछ रहा? देख, अगर तू अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो मुझे 200 रुपए उधार दे। 200? माफ करना, मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है। राज देख, अगर तू मुझे 200 रुपए नहीं देगा ना तो मैं चलती ट्रेन के सामने आके गिर पड़ूंगा। माफ करना, तू जैसे मरा नहीं करते, जा मर जा। राज ऐसा मत कर, तू ही दोस्त है मेरा, इस दुनिया में और कोई नहीं, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। राज भगवान के लिए दे। देखता हूँ वापस कब करेगा। अरे अब तो खाते में लिख दे। अरे मरने से पहले पाई पाई चुका दूंगा। ये 3 है, 3 है, 3 3 है, खाते में लिख देना, खाते में। मुरली, इसे उठाओ उठाओ। आज क्या हो गया आपको? बहुत थक गया, जरा पंखा जलो ताकि मेरा दिमाग ठंडा हो जाए। मेरा अपना दिमाग गर्म है, तुम्हारा दिमाग क्या ठंडा करूं? देखो जी, आपसे 1000 बार कहा है कि औरत का काम है मर्द की सेवा करना। जब मैं बाहर से आऊं तो मुझसे प्यार से कहो कि स्वामी आइए आइए, तशरीफ रखिए, कहिए आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए खाना परोसूं, आपको प्यास लगी है तो आपके लिए मैं शरबत बनाऊं। लेकिन तुम तो मेरे पीछे ऐसी पड़ जाती हो जैसे किसी यतीम खाने से मुझे गोद ले रखा हो। लो 200 रुपए कबाट में रख दो। 200 रुपए? क्यों जी, यकीन नहीं आता? जाओ आंखें धोकर फिर देखो। लेकिन आए कहां से, नौकरी मिल गई क्या? नौकरी? छी 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 छी, क्या नाम ले दिया। अरे आदमी तो वो है जो आजादी से जिंदगी बसर करे। मेरी समझ में ये बातें नहीं आता। मैं समझा देता हूँ। तुम आजाद को जानती हो? आजाद, वो जो कहानियां लिखते हैं? हाँ हाँ, मैं उनको जानती हूँ। तुम जानती हो, लेकिन तुमने अपनी आंखों से उसे देखा है? आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। कहानियां पढ़ी लेकिन उन्हें देखा नहीं। माय डियर, इधर देखो, साक्षात आजाद तुम्हारे सामने खड़ा है। आजाद तुम्हारा पति? तुम और आजाद? पहले मुझे भी नहीं बताया, इतने दिनों मुझसे क्यों छुपा के रखा? अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो हमारी शादी कैसे होती? डार्लिंग, सारी दुनिया जानती है कि बेचारे ये कहानी लेखक कितने गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल से लिख लिख कर उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। और फिर हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी फिल्म हीरो या ICS ऑफिसर या जागीरदार से शादी करे। बेचारे कहानी लेखक से शादी करके कागज चाट के क्या अपना पेट भरेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं। मुझे अगर पहले ये मालूम होता कि तुम आजाद हो तो सारी दुनिया के सामने सर उठाकर कहती आई एम मिसेज आजाद। डार्लिंग,
अगर मुझे तुम पर भरोसा होता तो मैं 24 घंटे चीख चीख के तुम्हें कहता कि मैं आजाद हूं, कि मैं आजाद हूं। क्या वसंती आपका नाम है? हाँ। आपको मैंने सामने बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। ये अर्जी आपकी है? जी। अभी बीए पास नहीं किया, सिर्फ इम्तिहान दिया है। जी हाँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगी। आई सी। ये नौकरी आप शौक के लिए कर रही हैं या? जी नहीं, मेरे घर के हालात ऐसे नहीं कि मैं शौक के लिए नौकरी करूं। चाय पियेंगी आप? जी नहीं, मैं पीकर आई हूँ। तो क्या हुआ, थोड़ी लीजिए। लेकिन ये नौकरी मुस्तकिल है, फर्ज किया आपने शादी कर ली तो क्या आप नौकरी छोड़ देंगी? इसका जवाब तो मेरे होने वाले पति ही दे सकते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। That's all right. आप कल से काम पर आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा ठहरिए, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाइए। ओह, चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। जानती हूँ ये अलबेला मौसम क्या कह रहा है। ये कह रहा है जुल्फे चमन में न जाना। क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के लब में तुम भी न गाना। क्यों? इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना। क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या, ये कलियों से पूछो हमें क्या पता। सौदाई होगा हम तो नहीं है, कहीं सीख देना न इसकी अदा। जुबां पर कभी बात ऐसी न लाना। क्यों? इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए। मोहब्बत के लब में तुम भी न गाना। क्यों? इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आत्मा झुक रहा। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आत्मा झुक रहा। बोलो
चलोगी, जो तुम ले चलोगे, कहीं राह में हो न जाना जुदा, मेरा प्यार देखेगा सारा जमाना, क्यों इसलिए के वादे किए और करके निभाए, बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों इसलिए के शर्मा न जाए फूलों के साए, हो तो के नगमे तुम भी न गाना, क्यों इसलिए के भौरा तुम्हारे हसीना उड़ाए, जाने से क्या सुखड़ जाएगा? दीदी जरा जल्दी चाय पिला दो मुझे, अगर हम गर्म अब भी पिला दिया। ये बात है। हमारा किराएदार आज दफ्तर नहीं गया। दीदी वो दफ्तर जाए न जाए हमें उससे क्या? नहीं माँ, आज वो नीचे नहाने भी नहीं आया, कभी कभी ऊपर से करहाने की आवाज भी आ रही है, मेरा ख्याल है कहीं वो बेचारा बीमार ना हो। ओह ये बात है तो चलो ऊपर चल के देखें। क्यों बेटा तबीयत अच्छी नहीं है क्या? कल से बीमार हूँ, सारे बदन में दर्द हो रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं। अरे माता तो तप रहा है, बहुत तेज बुखार है। माँ डॉक्टर को बुला कर लाओ जल्दी। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अच्छा मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। वसंती तुम अंदर जाके चाय पी लो। लेकिन ये चाय किसके लिए? वो जो हमारा किराएदार है ना उसके लिए, वो बेचारा सुबह से बीमार है। बीमार है? आप ऑफिस से अभी आ रही हैं? जी दीदी, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, माँ ने अभी काढ़ा पिला दिया था, तो फिर मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। ठहरिए, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, पहले से काफी आराम है। नहीं नहीं, बीमारी में गफलत अच्छी नहीं, मैं अभी आई। ये एक किस्म का मियादी बुखार है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख कर देता हूं, आप मंगवा लीजिएगा। ये दवा दिन में 4 बार दीजिएगा। देखिए कम से कम 7 दिन मुकम्मल आराम की जरूरत है, उठने बैठने से बुखार बिगड़ जाता है। अच्छा अब मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब।
मेरे सूटकेस की चाबी। दवाई के लिए पैसे निकाल लीजिए। पैसों की अभी जरूरत नहीं, मैं सारा हिसाब रखूंगी। जब आप ठीक हो जाएंगे तब देखा जाएगा। मैं दवा खरीद कर ले आई हूँ, ऊपर रखा हूँ इसे। इस वक्त नहीं बेटी, थकन के मारे उसकी अभी भी आंख लगी है। माँ अगर वक्त पर दवा न पिएगा तो अच्छा कैसे होगा? कहो तो मैं दफ्तर से एक दो दिन की छुट्टी ले लूँ। छुट्टी की क्या जरूरत है, मैं और गीता उसकी देखभाल के लिए काफी है। दवा कितने कितने घंटे के बाद देनी है तुम गीता को बता दो, और दफ्तर जाने की जल्दी से तैयारी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दवा खा लीजिए। क्या इसी वक्त खानी होगी? जी हाँ, डॉक्टर ने पूरे 10 बजे खाने के लिए कह रखा है। सुनिए। जी, मेरा नाम गीता है। गीता? माफ कीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत बहुत परेशानी हुई ना? परेशानी कैसी, ये तो मेरा मतलब है हम लोगों का फर्ज है। आप इस तरह बाहर क्यों बैठे हैं? हवा लगने से बुखार बिगड़ जाता है, बल्कि डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने कहा हो तो क्या, आखिर कब तक पलंग पर पड़ा रहूंगा, कब वक्त नींद भी तो नहीं आती। सुनिए, आप अभी अभी गुनगुना रही थी, आप गाती भी हैं? जी, फिल्में देखने का मौका तो मुझे मिलता ही नहीं, बस हिंदी मैगजीन में कभी कभी गीत आते हैं ना, मैं उन्हें इस तरह गुनगुना। एक गाना गाइए ना। जी गाइए प्लीज, गाइए ना। मैं के हैं फूल उधर उधर, देखा
कहिए कथा सम्राट आजाद साहेब, क्या हो रहा है? हे, आज ये तुम मुझे प्यार से क्यों बुला रही हो? ये बताइए महाशय, क्या आप झूठ कब तक होते रहेंगे? झूठ पकड़ लिया तुमने? तो क्या मुझे बच्ची समझते हो? तुमने तो नहीं बताया, लेकिन मैंने सब पढ़ लिया अखबार में। अखबार में? अखबार में भी छप गया? ये देखिए कितने मोटे मोटे हरफों में लिखा है, भारत साहित्य समाज की तरफ से रंग भवन हॉल में कल शाम को हिंदुस्तान के मशहूर कहानी लेखक श्री आजाद जी को मान पत्र दिया जाएगा। इतनी अच्छी खबर मुझे क्यों ना सुनाई? आप तो कह रहे थे कि कल शाम आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। देखो डियर, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझे पब्लिसिटी और शोहरत से कितनी नफरत है। भाई मैं भी क्या करूं, ये भारत साहित्य समाज वाले बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे, भाई मैं भी तंग आकर हाँ कर बैठा। सोचा ये मामूली सी बात है, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। वाह वाह वाह, ये कोई मामूली सी बात है? भरी सभा में मेरे पति की इज्जत हो और मैं वहां ना जाऊं? मैं तो जरूर जाऊंगी। तुम जाओगी? क्यों नहीं, आपके साथ जाऊंगी। मेरे साथ जाओगी? क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है जो आप मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते? शी 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 शी, अजी राम का नाम लो, ऐसी सूरत पे तो अंधा भी कुर्बान हो जाएगा। लेकिन डार्लिंग वहाँ भीड़ बहुत होगी। भीड़ क्यों ना हो, आजाद की शान में जलसा हो रहा है। क्या आपकी शान मैं ना देखूं? डार्लिंग कुछ ही महीनों में तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, अगर भीड़ में धक्का वक्का लग जाए तो कौन जाने अपना बच्चा लंगड़ा लूला पैदा हो। समझी डाली? समझी। अच्छी तरह समझी? अच्छी तरह। ओह वसंती, आज दफ्तर से आने में इतनी देर क्यों करती? आज काम बहुत है। हेलो। ओह हेलो, तबीयत कैसी है? अच्छा, तो बिल्कुल अच्छा। दीदी इनके लिए चाय? शुक्रिया, मैं पहले पी चुका। आज तुम्हारी दीदी ने मुझे 4 बजे चाय पिला दी थी। बासंती, तुम्हारी दीदी के कारण आज मैं मरकर जिंदा हुआ हूँ। वक्त पे मुझे दवाई पिलाना, दिन रात मेरा ख्याल रखना, ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं नहीं समझता कोई किसी बेगाने की इतनी देखभाल कैसे कर सकता है। काश मैं भी इनके एहसानों का बदला किसी दिन चुका सकूं। बीमार दवा से तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जानते हो बासंती, मैं दवा से नहीं, तुम्हारी दीदी के प्यार और सेवा से अच्छा हुआ। क्या हुआ? नाराज हो? बहुत नाराज। बहुत नाराज? क्यों? क्यों? दीदी की तारीफ के तो पुल बांधी और मेरे लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये बात बदली गई, आप लोग भी कोई तारीफ करता। सुनो, चांद से चमकता हुआ मुखड़ा, होंठों पे खिलती हुई कली की मुस्कान, काली काली कजराई हुई आंखें, घनेरे बालों में सैकड़ों सितारों से सजी हुई मां, तो मेरे लिए वो शर्माई हुई दुल्हन। बस बस बहुत हो गए। बोलो वसंती, मेरी दुल्हन कब बनोगी? तुम मुझे दुल्हन बनाओगी? अभी इसी वक्त। वाह, इतनी जल्दी भी क्या है?
कि सारी जिंदगी इंतजार करता रहूं। पहले दीदी की शादी फिर हमारी। आखिर मेरी शादी की इतनी जल्दी भी क्या है माँ? जल्दी? गीता बच्ची नहीं हो तुम, तुम्हारे बाद 4-6 महीनों में वसंती के हाथ भी पीले करने हैं। लड़का अच्छा है, रेलवे में 150 रुपए की पक्की नौकरी है, इससे अच्छा रिश्ता हमें और कहीं नहीं मिल सकता। अगले सोमवार वो लोग तुम्हें देखने भी आ रहे हैं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और अगले महीने तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। वेरी गुड। माँ, माँ, दीदी का दूल्हा पढ़ा लिखा है ना? क्यों नहीं, खूबसूरत भी है ना? बहुत। नहीं माँ, मुझे विश्वास है, पहले तुम उसे घर पर बुलाओ और मैं खुद देखूंगी कि वो मेरी दीदी के काबिल है कि नहीं। ठीक है माँ? तू बड़ी शरीर है। दीदी, दीदी, ये क्या दीदी? मैंने सोचा था तुम शादी के नाम से शर्मा कर यहाँ चली आई हो, लेकिन तुम तो रो रही हो, क्या बात है दीदी? कुछ नहीं बसंती, कुछ नहीं। देखो दीदी, मुझसे छिपाओ नहीं, क्या तुम अभी शादी करना नहीं चाहती? दिल में जो कुछ भी है साफ साफ कह दो। वसंती, माँ ने मेरे लिए जो लड़का ढूंढा है वो मुझे पसंद नहीं। बस इतनी सी बात के लिए रो रही हो? तुम बड़ी बुजदिल हो दीदी। बताओ तुम किस किस्म का लड़का पसंद करती हो? एक बार बता दो फिर देखना, मैं दुनिया भर में तलाश करके उसे ढूंढ निकालूंगी। बताओगी नहीं मुझे? मैं अपने दिल की बात तुझे नहीं बताऊंगी, तुझसे मैंने कभी भी तो कुछ नहीं छिपाया। तो फिर बताओ दीदी। ओ वसंती, बोलो ना। ओ वसंती, मैं दिल ही दिल में किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम मेरी भोली भाली दीदी अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसे प्यार करना भी आ गया? मोहब्बत भी अजीब चीज है, देखो ना, हमारे घर की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें तोड़कर मेरी दीदी के दिल में आ बैठी। दीदी, जो तुम चाहोगी वही होगा, तुम्हारे प्यार की जिम्मेदार मैं हूं। वसंती, अच्छा ये तो बताओ, वो खुशनसीब लड़का कौन है जिसने मेरी दीदी का मन मोह लिया है? मैं नहीं बताऊंगी, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? जब उससे आंख लड़ी थी उस वक्त शर्म कहां गई थी? वसंती, तुम जाओ, नाम बता दो फिर फौरन चली जाऊंगी। जल्दी से बताओ ना, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। नहीं वसंती, मैं उनका नाम अपनी जुबान से नहीं लूंगी, कहो तो उनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। अच्छा, तो फोटो का लेन देन भी होता रहा है, फिर तो ये प्यार पक्का है। मैंने जब पहली बार इन्हें देखा था तो देखते ही मैं अपना दिल हार बैठी थी। जब ये बीमार पड़े तो इनकी सेवा का मौका मुझे मिला, इनके नजदीक होकर मैं और भी इनकी हो गई। इनके प्यार और इनके स्वभाव ने मुझे अपनी दासी बना लिया। वसंती, यही है मेरे मन के देवता। दीदी, क्या ये भी तुमसे प्यार करते? मेरा दिल कहता है जरूर करते हूँ, अगर नहीं करते तो फिर मेरी जिंदगी ही किस काम की? मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में मेरी बस यही एक आशा पूरी करे। अगर भगवान निर्दयी निकला तो वसंती, मेरा दिल टूट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी।
तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करके ही करूंगी। चिंता न करो दीदी, चिंता न करो। तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरी तब्दीली पूना हो गई है, एक महीने के बाद वहां जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जाने से पहले हम दोनों की शादी की। राज, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रात को 10 बजे अपने कमरे में मेरा इंतजार करना। अच्छा, रात को। ये क्या जी, अभी तो बाली समाज हो, जल्दी कीजिए, जलसे का टाइम हो गया है। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो जाइए ना। ओ, जाता हूँ ना बाबा। इस लिबास में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो लोग आपकी फोटो भी उतारेंगे। क्यों नहीं, एक थोड़ी, दर्जनों। मेरे लिए भी 3-4 फोटो ले आइएगा। हरगिज नहीं, मैं कोई भिखारी हूँ जो दूसरों का एहसान उठाता फिरो? अरे अखबार में छपेंगे, हम लोग काट लेंगे। अच्छा, तो आप लेक्चर भी देंगे? लेक्चर तो तैयार कर लिया ना? सुबह से लेक्चर की तो फिक्र में हूँ। मेरी फाइल कहाँ है? ये रही। किधर? ये रही। ओ, ओ। जल्दी से जाइए, लोग आपको देखने के लिए तड़प रहे होंगे। अरे तड़प तो मैं रहा हूँ। ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। अरे अरे अरे, ये अब कहाँ जा रही है? ए आजाद महाराज, अब तक मेरी जान बचाई है, आज भी बचा ले। ठहरिए। अरे ये क्या कर रही हूँ? क्या मैं मिलिट्री में भर्ती होने जा रहा हूँ? ऐसा ना बोलो जी, अच्छे काम पर जाते वक्त शगन मनाना ही चाहिए। ओ, मना लो मना लो। क्या उन्होंने कार नहीं दी थी आपके लिए? कार? किसकी कार? शायद समाज की, और किसकी? डार्लिंग, तुम ठीक कहती हो, वो लोग बड़े बेशरम हैं। अरे इतने बड़े आदमी को मान पत्र देने के लिए बुलाया है और मोटर तक नहीं भेजा। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। गुस्सा थूक दो जी, मैं अभी टैक्सी मंगा देती हूँ। अरे तुम कैसी बात करती हो, इतना बड़ा आदमी टैक्सी में वहां गया तो लोग क्या कहेंगे? मैं जाऊंगा तो अपनी मोटर में जाऊंगा या तो ऐसे ही जाऊंगा। ऐसे कैसे? है जैसे रोज जाता हूँ, अपनी दो टांगों की सवारी से। अच्छा, तो पैदल ही जाइए। जाइए ना। ओ, जाता हूँ, जाता जाइए जाइए जाता हूँ जाइए। वाह चल चल वाह, मुझे तो जल्दी आने को कहा और खुद अभी तक तैयार हो रही है। आहिस्ता बोल आहिस्ता, आता जी अभी गए हैं, बस 2 मिनट में हम भी चलते हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं बड़े गर्व के साथ हिंदुस्तान के मशहूर लेखक श्री आजाद का परिचय आप लोगों से कराता हूँ। तुम्हारे पति स्टेज पर तो नहीं है? अभी सब्र कर, बड़े आदमी जानबूझकर देर से आया करते हैं, देखना किस शान से आते हैं। आइए आजाद जी, लोग आपके दर्शनों के लिए बेकरार। भाई साहब, इसकी क्या कीमत है? इसका कीमत 5 रुपए है। 5 रुपया गुलदस्ते के साथ ना? गुलदस्ता जो देखो। ये शोहरत भी बड़ी बुरी चीज है। कहिए, जलसा कैसा रहा? जलसा? अरे उन्होंने तो मेरा जुलूस निकाल दिया। बहुत भीड़ होगी। ये न पूछो, अरे आदमी पर आदमी चढ़ा हुआ था, 2 दर्जन बेहोश, आधा दर्जन गायब, एक तो बेचारा दुनिया से ही चल बसा। इसीलिए आने में देर हो गई होगी। क्यों ना होती, शहर के बड़े बड़े लीडर, बिजनेसमैन, राइटर मेरा रास्ता रोके हुए खड़े थे। किसी से नमस्ते, किसी से हेलो, किसी से सलाम दुआ, वक्त तो लग ही जाता है ना डियर। अच्छा, तो फिर स्वागत भी शानदार हुआ होगा।
चंचल डियर, काश तुम वहां होती और अपनी आंखों से देखती कि तुम्हारा पति कितना बड़ा आदमी है। लेकिन इतने बड़े आदमी के लिए सिर्फ एक ही हाथ। हार? अरे हार तो मुझे इतने पहनाए गए थे कि मैं फूलों के बोझ से तो दबी गया। चार लारियां हारों के लिए, दो लारियां गुलदस्तों के लिए। डार्लिंग, अगर मैं लाता भी तो कैसे लाता, लेकिन यादगार के लिए एक फूल लाया हूँ। काफी महंगा पड़ा होगा, कहिए यहाँ खरीदा कितने में? मैं क्या जानू, शायद समाज ने तो मुझे मान पत्र देने के लिए बुलाया था, फूलों के बिल देने के लिए थोड़ी बुलाया था। समाज वालों ने तो मान पत्र दिया है, जुल्ला मैं देती हूँ आपको। मैं खुद जलसे में मौजूद थी। क्या तुम जलसे में गई थी? हाँ, और मैंने अपनी आंखों से वो आजाद का बच्चा भी देखा, उम्र में तुम्हारे बाप से भी बड़ा। होगा, जरूर होगा। अब बताओ, तुमने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा रखी कि कभी सच नहीं बोलोगे? नहीं डियर, नहीं। तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? नहीं नहीं डियर, नहीं। तो कब सुधरोगे तुम? शादी की तो झूठ बोलकर, घर सजाए तो झूठ बोलकर, सुबह झूठ, शाम झूठ, उठते बैठते सोते जाते झूठ 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 झूठ, आखिर जवाब भी नहीं देते। मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? बुखार। कैसा बुखार? मलेरिया का। लेकिन शहर में तो मलेरिया नहीं फूटा। लेकिन मेरा तो मांडा फूट गया। अब करती हूँ तुम्हारा इलाज, आज से 10 रोज तक न चाय न खाना, दो गोली कुनिन की सुबह, दो गोली शाम। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा हूं, इतना जरूरी क्या काम था? हा? ये पूछना था कि हम दोनों की शादी कब होगी? नहीं, मुझे दीदी की शादी के बारे में कुछ मशवरा करना है। मुझसे? लड़का ढूंढ लिया क्या? हाँ। शादी भी तय होगी? सिर्फ लड़के की मंजूरी का सवाल है, अगर वो मान जाए तो शादी भी हो जाएगी। तो अभी तक उससे पूछा नहीं क्या? अभी तक तो नहीं। तुम बताओ राज, तुम्हारा गीता दीदी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल? गीता सुंदर है, सुशील है, सियानी है, ऐसी लड़की का रिश्ता कौन मंजूर नहीं करेगा? सच कह रहे हो? इसमें झूठ ही क्या है? गीता का हाथ पकड़ने वाला तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी होगा। तो वो खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो राज। मैं? हाँ, तुम्हें गीता को अपने कदमों में जगह देनी ही पड़ेगी, और आज के बाद मुझे भी भूल जाना होगा। वसंती, इससे अच्छा मजाक तुम्हें कोई और नहीं सोचा? मैं मजाक नहीं कर रही, मजाक तो मेरी किस्मत ने मुझसे किया है, गीता भी तुम्हें से प्यार करती है। मुझसे? हाँ, अगर तुमने उसका हाथ ना थामा तो उसके लिए जीना बेकार है। उसने खुद मुझसे ये कहा है, वो कह रही थी, और एक एक लफ्ज मेरे दिल में तीर बनकर चुपका जा रहा था, खुशियों की धूप गम के साए में बदल रही थी, सपनों के मेल एक एक करके टूट रहे थे। तुमने क्या कहा? मैं खामोशी से सुनती रही, सोचती रही, अपने दिल से पूछा, जमीर से पूछा, और आखिर प्यार फर्ज से हार गया। फर्ज? कैसा फर्ज? दीदी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, 8 साल दिन और रात एक करके आज पड़ोस के कपड़े सी सी कर मुझे पढ़ाया लिखाया, इस तरह मेरी देखभाल की जैसे मैं ही इस दुनिया में उसकी सब कुछ। मेरी खातिर उसने अपने अरमानों का खून किया, अपने हंसने खेलने की उम्र मेहनत और मजदूरी में गुजार दी, और आज जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा। अब तुम ही बताओ राज, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? गीता ये नहीं जानती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, अगर उसको इस बात का पता होता तो वो अपने प्यार की बात जुबान पर कभी न लाती। लेकिन तुम्हें उसे कहना चाहिए था। कैसे कहती? दीदी के दिल का हाल सुनने के बाद अगर मैं कुछ भी कहती तो वो सदा मुझे खुद कर बहन के नाम से याद करती। तो फिर तुम्हारा फैसला क्या है? मेरा फैसला यही है कि अपने मन मंदिर में जो मूर्ति मैंने बिठाई है वो मूर्ति गीता को अर्पण कर दूं। ये तुम्हारा फैसला है, मेरा फैसला नहीं।
सुनो बस, जिस प्यार के पौधे को तुमने अपने हाथों से लगाया आज खुद ही उसे काट देना चाहती, ये चाहती कि तुम्हें खोकर किसी और का हो जाओ, ये मुझे मत। राज, किस्मत के तूफान में मेरे प्यार को छोटा सा आशियाना घेर गया है। मेरी मोहब्बत अब एक सूखा पेड़ है जिसे अब कभी नई कोपल नहीं फूटेगी। मुझे भूल जाओ राज, मुझे भूल जाओ। गीता का हाथ स्वीकार कर, मैं उसको वचन दे चुकी हूँ। लेकिन मुझे भी तो तुमने वचन दिया था। अपनी बहन की खुशी के लिए वो वचन तोड़ रही हूँ। तुम अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो, लेकिन मुझसे ऐसी आशा क्यों रखती हो? प्यार तुमसे करूं, शादी किसी और से? अब कुछ भी हो, मेरा तुम्हारा साथ तो बिछड़ ही चुका है। फिर जिंदगी में किसी और का हाथ थामने से तो अच्छा है कि तुम दीदी के साथ शादी करके मेरी लाज रख लो। क्यों जीते जी मुझे मार डालना चाहती हो वसंती? क्यों? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें उस प्यार का वास्ता दे। मेरी बात मान लो राज, मेरी बात मान लो। जानती हो तुम मुझसे क्या मांगी? मैं अपनी बहन के लिए जिंदगी और अपने लिए एक आखिरी खुशी मांग रही हूँ। मेरी बात मानकर इस गरीब घराने को उजड़ने से बचा लो राज। अगर मेरे आंसू तुम्हारी छलकती हुई आंखों में मुस्कुराहट ला सकते तो लो वसंती, लो हम रो देंगे। तुम इंसान के रूप में भगवान हो। दीदी की शादी की बात छेड़ने के लिए कोई अच्छा सा दिन देख रही हो? हाँ बेटी, एक बात कहूँ? कहूँ। ये जो हमारा किराएदार राज है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहो माँ। वो तो हीरा लड़का है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कैसा रहेगा माँ अगर हम दीदी की शादी उससे करते हैं? ये कैसे हो सकता है, राज को भी तो ये रिश्ता मंजूर होना चाहिए। दीदी का नसीब बहुत अच्छा है माँ, मेरा दिल कहता है वो जरूर मान जाएगा। माँ वो खुद ही आ रहे हैं, जरा बुला के पूछो तो सही। राज बेटा जरा इधर आना तो, बैठो। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे चाचा दिल्ली में रहते हैं, जरा उनका पता तो लिखवा दो। इनसे तो पूछ लो माँ, पहले इनकी मंजूरी चाहिए, बाद में इनके चाचा जी को भी लिख देंगे। मंजूरी? माँ की इच्छा है कि आप इसी घर के होकर रह जाए, इसलिए माँ आपसे पूछना चाहती थी कि आप गीता का हाथ मंजूर करेंगे। शर्माओ नहीं बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह दो। राज बाबू, मेरी दीदी सुंदर है, सुशील है, सियानी है, इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ कह दीजिए ना बेटा। तुम चुप क्यों हो? माँ इनके चुप रहने में ही हाँ है, बस समझ लो इनकी तरफ से कोई इनकार नहीं। नहीं बेटी,
जब तक ये खुद अपनी जबान से न कहे कैसे मान लूं। राज बाबू, ऐसी कौन सी सोचने की बात है, बोलिए ना, बोलिए राज बाबू। देखिए, आप जैसा चाहे कीजिए। मां, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। दीदी, कितने अच्छे नसीब है तुम्हारे, मुबारक हो दीदी, मुबारक हो। मां, इस पर दस्तखत कर दो। कैसे कागज है? मकान गिरवी रखना है ना, नहीं तो दीदी की शादी के लिए रुपया कहां से आएगा। सिग्नल हो गया, तुम जल्दी से बैठ जाओ। दीदी, मुझे भूल ना जाना। क्या कह रही हो वचन? मैं हर हफ्ते तुम्हें खत लिखा करूंगी, उसका जवाब देने में देर मत करना। खराब है, ठंडे पानी से तबीयत न बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा,
मुझे अपनी सेहत का खुद भी तो ख्याल है। कम से कम चाय तो पी लीजिए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, भगवान के लिए मुझे जरा अकेले रहना। इसलिए लिख रही हूँ कि शायद किसी से दिल का हाल कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। वसंती, मैंने उनसे प्यार किया और उस प्यार की मंजिल हमारी शादी थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर मुझे पता चला कि यह सब एक छोटा ख्वाब था। वसंती, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो प्यार जिसकी मैं भूखी थी मुझे नहीं मिला। मैं उनकी पत्नी हूँ सिर्फ उस रिश्ते से कि पवित्र अग्नि के सामने मेरा हाथ उनके हाथ में दे दिया गया है। वो हर वक्त खोए खोए से रहते हैं, मैं उनके कदमों में आकर भी उनसे दूर हूँ। मैंने उन्हें अपनाने के लिए हजार जतन किए हैं, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही मिली।
वसंती, बस ये समझ ले कि मैं इस घर में एक औरत की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह जिंदगी बसर कर रही हूँ। आपको मैंने सर ने याद किया। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बसंती, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कहीं? देखो, दफ्तर का काम नहीं, ये एक ज्यादती मामला है। क्या है? कहता हूँ, लेकिन लेकिन मुझे डर है तुम खफा ना हो जाओ। मैं कभी किसी से खफा नहीं होती। देखो बसंती, हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम ये समझो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन अब मैं कहने पर मजबूर हो चुका हूं। बसंती, मैं तुम्हें चाहता हूं, यहां तक कि अब मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? माफ कीजिए, मुझे परेशानी में मत डालिए। पूछने लगता है तो उसकी बाट को सवारने की जरूरत होती है। आप एक दीपक हैं जिसका काम रोशनी फैलाना है। अगर मैं उसकी बाट को सवारने का काम करूं तो आप पूरा तो नहीं मानेंगे। जीजा जी, दुनिया में बहुत कम लोग मोहब्बत में कामयाब होते हैं, और अगर बाकी सब निराश प्रेमी अपनी और अपनों की जिंदगी तबाह करने लग जाए तो फिर दुनिया में बचेगा ही क्या? सिर्फ मकबरे और समाधियां ही ना। बलिदान करना बहुत आसान है, लेकिन जिस मकसद के लिए बलिदान दिया जाता है वो मकसद ही अगर पूरा न हो तो ऐसे बलिदान का फायदा ही क्या? मैंने और आपने दीदी की खुशी के लिए अपने अपने प्यार का बलिदान दिया, लेकिन जब मैं ये सोचती हूं कि मेरी दीदी को अपने पति का प्यार नहीं मिला तो मेरे दिल में रह रहकर यही ख्याल आता है कि बलिदान के नाम हमने कहीं दीदी को धोखा तो नहीं दिया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसान होते हुए भी हैवानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के दिल में भगवान बनकर विराजते हैं। इंसान अपने कर्तव्य पालन से ही इतना महान बनता है। जीजा जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी इतने ही महान बनकर मेरे दिल में विराजें। बहुत दुख दिया है ना? देखिए, ऐसी बात जबान पर फिर कभी मत आइएगा। नहीं गीता, आंखें होते हुए भी मैं अब तक अंधा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। आज से इस घर में खुशी ही खुशी होगी। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे गीता। चल, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चले। वसंती,
मेरे ही मन मंदिर की नहीं बल्कि मुझे से हजारों की। गीता आई। अरे वाह, इतनी जल्दी तैयार होगी। आ चले राजू। अरे मुरली। अरे राजू। ये क्या है? ये हमारे दुआओं का नतीजा है। मैंने कहा इस महाशय को पहचान। क्यों नहीं, गिरधरियान कपूर चलन कंपनी में हेड क्लार्क है ना। जी साहब, वो हेड क्लार्क का जमाना गुजर गया, अब मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। इंश्योरेंस एजेंट? हाँ, सच कह रहा है, इस पर ब्लफ मारा। तो अपने भाभी से पूछ ले। चलो भाभी। अच्छा। चलो बोलो, तुम दोनों कितने का इंश्योरेंस करूं? इंश्योरेंस बाद में होता रहेगा, पहले आ भाई। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं जानता हूँ तुम मियाँ बीवी बाहर जाना चाहते हो, अब घर देख लिया है, फिर कभी आ जाओ यार। कब आएगा? अरे यार, मौत और मुरली का क्या भरोसा, कभी ना कभी टपक जाएगा। अपना मैनेजर है ना, अपने से जरा कुछ बिगड़ा हुआ है, शायद अपने को बड़ौदा ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर हो गया तो टाटा, नहीं तो चाय पीने भी आ जाएंगे और तुम दोनों का बीमा भी कर देंगे। चलो डार्लिंग, ये दोनों दिल में अपने को गालियां देने। नहीं नहीं, शादी हुई ना। वसंती, यहां अकेली बैठी क्या कर रही हो? यूं ही वक्त गुजार रही हूं। वसंती, मैंने तुमसे दफ्तर में जो सवाल किया था उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। श्याम बाबू, औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने किसी से प्यार किया है? ओह, माफ करना, मुझे इस बात का पता ना था। मैंने तो कुछ और समझकर तुम्हारे ख्वाब देखे थे। लेकिन मुझे कोई निराशा नहीं वसंती, बल्कि यह ख्वाहिश है कि तुम जिससे प्यार करती हो उसी से शादी करके हंसी खुशी अपना जीवन बसर करो। वसंती, वसंती, ये आंसू क्यों? क्या तुम्हारे प्यार के रास्ते में कोई मुश्किलात हैं? मुझे बताओ, मैं उनको हल करने की कोशिश करूंगा। कभी कभी मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं श्याम बाबू कि अपने आप आसान हो जाती हैं। पहेली न डालो, साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, किस्मत की बात है कि उसको भी उसी आदमी से प्यार हो गया जिसे मैं चाहती थी। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूं। वसंती, तुम्हारा बलिदान वाकई बेमिसाल है, लेकिन बीती हुई बातों को सोचकर तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? अब इस जीवन में रखा ही क्या है? क्यों नहीं, तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी फिर मुस्कुरा सकती है। लेकिन अब मैंने जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। श्याम बाबू, अगर आपको मेरे कारण कोई दुख पहुंच रहा हो तो मैं नौकरी छोड़ देती हूं। नहीं नहीं बसंती, ऐसा ना कर बैठना। भूली बातें याद दिलाकर मैंने तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़का है, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। वसंती, छोड़ दो ये नौकरी। अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकती तो दुख भी न दो, चली जाओ, ये नौकरी छोड़कर चली जाओ। सर,
मैं यहाँ टाइपिस्ट हूँ। ओ, तो तुम्हारा ही नाम वसंती है? जी। ये तुम्हारा खत, पिछले मैनेजर तुम्हारे लिए छोड़ गए। वसंती, कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं खुदगर्ज था, मैंने सोचे समझे बगैर तुम्हारी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया। वसंती, मैं अपने किए पर बहुत पशेमान हूं। तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम औरत हो और घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। तुम्हारी भलाई के लिए मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रहा हूं और वादा करता हूं मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में ऐसे अच्छे अच्छे आदमी भी हैं, एक मैं ही बुरी हूं जो सबका आराम छीन लेती हूं। आप चुपचाप जाके आराम कीजिए, मैं चाय बनाता हूं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा? जो अपनी बीवी की कदर नहीं करता वही गलत समझेगा। और फिर दो महीने के बाद तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, तो अभी से क्यों आदत डाल। जाइए जाइए। दीदी, अरे वसंती। वसंती तुम? नमस्ते जी जाजी। नमस्ते। आने की खबर तक नहीं थी? और माँ कैसी है? बिल्कुल ठीक है जीजा जी। आप जानते हैं मैं दीदी को लेने आई हूँ। मुझे? हाँ, माँ ने कहा है पहली खुशी है माँ के घर ही होनी चाहिए। मगर ये सब तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ? आपने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन दीदी की चिट्ठी से सब पता चल गया। तुम्हारी दीदी भी कुछ छुपा नहीं सकती। तो फिर कहिए, आज शाम को ही हम चले जाएं ना? आज क्यों? ओ, दीदी को देखे बिना आपसे रहा नहीं जाएगा क्या? अगर ऐसा है तो आप हरिद्वार बॉम्बे आ जाइए और दीदी से मिल लीजिए। जैसे सरकार का हुक्म। कहो, चाय बना के तुम लोगों को पिलाऊं? हटिए, मैं बना लेती हूँ, कहीं आप दूसरा हाथ भी जलाना बैठे। वसंती, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे आने वाले मुन्ने के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मुन्ना ही आएगा? क्यों, मुन्नी नहीं आ सकती? मैं जानती हूँ मुन्ना ही आएगा। अच्छा, मुन्ना ही सही। दीदी जरा बैठो। बैठना। मैं तुमसे एक बात पूछूंगी, सही सही जवाब देना। पूछो, क्या बात है? कहते हैं जब कोई लड़की माँ बनने वाली हो तो उसकी जो भी ख्वाहिश हो पूरी करनी चाहिए। दीदी तुम भी अपनी कोई इच्छा बताओ ना, मैं उसे पूरी करूंगी। वसंती, मैंने चाहा था कि वो मुझे मिल जाए, वो इच्छा तो तूने पूरी कर दी। शादी के बाद एक और इच्छा थी कि हंसी खुशी में अपना जीवन बसर करूं, वो भी हो रहा है। अब मेरे जीवन में कमी ही क्या है, जिसकी इच्छा करूं। फिर भी तुम्हें अपनी कोई ख्वाहिश बतानी ही पड़ेगी जो मेरे हाथों पूरी हो सके, बताओ ना। अच्छा, अगर तुम जिद करती हो तो बताती हूँ, लेकिन वादा करो जैसा मैं कहूँगी तुम करोगी। जरूर दीदी, मैं वादा करती हूँ। वसंती, मैं तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम जैसे शरीर लड़की दुल्हन बन के शर्मा भी सकती है या नहीं। चलो, मैं अपने हाथों तुम्हारा सिंगार करूँगी। चलो ना, मेरी कसम। देखो माँ, भगवान करे तुम भी जल्दी ही अपने ससुराल जाओ, जहां भी पांव रखो फूल ही फूल खिल पड़े,
सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। माँ, वसंती को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जैसा चाहेगी वैसे ही पति इसको मिलेगा। उठो वसंती, उठो। ये दुल्हन कौन है? शर्मा नहीं, आप घूर घूर के क्या देख रहे हैं? ये अपनी वसंती ही तो है। बोलो वसंती, मेरी दुल्हन कब बनोगी? कितनी अच्छी लगती है इस दुल्हन के लिबास में। दीदी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, इसलिए मैं चाय लिख रही हूं। वसंती, कल तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखकर बार बार यही ख्याल आता रहा, तुम्हारी जिंदगी तो एक कठपुतली का खेल बनकर रह गई। आप ऐसी बातों को दिल में जगह क्यों देते हैं? एक अर्ज है मेरी, आप मुझे जिस हाल में भी देखें कभी भी अशांत न हो। वसंती, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, एक बात मान लो, तुम भी अपना जीवन साथी ढूंढ लो। सोचती तो मैं भी हूं, लेकिन क्या करूं, ये दिल मेरा साथ नहीं देता। हमारी जिंदगी में चिराग जलाकर खुद अंधेरे में रहोगे? अंधेरा क्या और उजाला क्या, मेरे लिए दोनों एक बराबर है। फिर भी आपने जो कुछ कहा है मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। कब? एक दिन, मरने से पहले। जो ही मेरा भांजा आएगा मैं आपको एक्सप्रेस तार से खबर दूंगी, आप ही फौरन एक्सप्रेस गाड़ी में ही चले आइएगा। अच्छा गीता, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राज भैया, ये तो बताइए लड़का पैदा हुआ या लड़की? लड़का। लड़का, फिर तो डबल मुबारकबाद हो। डबल पेड़ तुम्हें। अब बस फिकर, क्या तू ही चुमे जाएगी? हमारा कोई हक नहीं बोले पास। अच्छा जब अपने नानी के पास आज बेटा। माँ माँ माँ, मुझे दो ना मुन्ना। ओ मुन्ना, देखा माँ क्या तिरछी आंख से देख रहा है, बदमाश कहीं का। अरे ये तो गीता का बच्चा है, जब तुम्हारी शादी होगी। हटो माँ। दीदी दीदी देखो ना, बिल्कुल तुम्हारा ही चौकता है, वही नाक। अच्छा जब मेरे पास, दे मेरे पास। नहीं देती। अच्छा ना देती, तुम्हारे पास रखो। देखो मुन्ना, अपनी मौसी के साड़ी भिगो के ही छोड़ना। दीदी दीदी, माँ जी कुएं के पास फिसल कर गिर पड़ी है। गीता दीदी ने आपको जल्दी घर बुलाया। मदर सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। गीता, अब जिंदगी से भरोसा उठ गया, अंत नजर आ रहा है। माँ रो नहीं गीता, रो नहीं मेरी बेटी। देख वसंती को मैं तुझ पर ही छोड़कर जा रही हूँ, इसका अच्छे से करने प्यार कर देना, ये तुम्हारा फर्ज है गीता। वसंती,
कौन हो? मेरे पास गीता को अपनी मां समझो। भगवान तुझे अच्छे से अच्छा बर दे। अब हमें वसंती की शादी का कुछ सोचना चाहिए। तुम समझती मुझे इस बात की फिक्र नहीं? वसंती की शादी करना तो हमारा फर्ज है। और ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा तुम भी हैरान रह जाओगी। गीता जी, लड़का ढूंढ लिया है क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब ढूंढना ही पड़ेगा। जाओ दीदी, तुम मुझसे बात न करो। क्यों, इतनी जल्दी बिगड़ गई? और क्या करूँ, शायद तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं। देखो फिर कभी ऐसी बात न करना। तुम तो मेरे लिए मेरे मुन्ने से भी बढ़कर। दी दी दी, मैंने तो यही खेला था। शरीर कहीं, अभी तक बच्ची हो। हाँ जीजा जी, अगर मैं बच्ची हूँ तो मेरे लिए भी एक झूला ला दीजिए ना। गीता मुन्ना रो रहा है। वसंती, तुम जीजा जी को परोसो, मैं जरा मुन्ने को संभालती हूँ। तुम जाओगी तो जोर से चीखेगा। वसंती इस बार किसी को नहीं मानता। मुझे जरा कोशिश तो करने दीजिए, शायद चुप हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी। बस 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 बस, ये क्या, दीदी खिलाती है तो आप खूब पेट भर के खाते हैं, और मैं परोसती हूँ तो बस बस खाइए खाइए। तो इतना खाऊंगा कैसे, आगे कुछ कम मोटा आके तो देखिए ना। वसंती तुम्हें इसे संभालो, मुझसे नहीं चुप होता। लो मरे राजा। ओ, 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 ओ। मैंने क्या कहा था गीता? मेरी मुन्ना। पटाखे साड़ियाँ सब कुछ ले आया। साड़ियाँ? मेरी पसंद तो देखो। बहुत अच्छी। ये साड़ी बहुत अच्छी है, तो तुम ही रख लो ना। हाँ, दुकानदार भी यही कह रहा था कि ये साड़ी बहुत लकी है, जो भी लड़की इसे पहनेगी उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। जी जय जी, जाइए जाइए। अरे तो इसे देखो।
कमजोरी हो गई है, कुछ दिनों के लिए मुकम्मल आराम और अच्छी खुराक की जरूरत है। डॉक्टर, दीदी कब तक अच्छी हो जाएगी? घबराने की बात नहीं, जल्दी ही हो जाएगी। मिस्टर राज, जरा मेरे साथ आइए। देखिए, अबॉर्शन का केस है, एहतियात की बहुत जरूरत है। अबॉर्शन? डोंट प्रे, श्री द्वारा। का वक्त हो गया है, नाश्ता लगा दो। नाश्ता मैंने लगा दिया है दीदी, तुम जाके आराम करो। जीजा जी को मैं परोसती हूं। तो तुम्हारी दवा का भी तो वक्त हो गया है गीता, तुम मेरी और घर की कोई चिंता मत करो, वसंती सब कुछ संभाल लेगी। चलो सर। मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगा। तुम मम्मी के बेटे हो ना, मैं नहीं खाऊंगा। खा लो फिर मैं तुम्हें बहुत से खिलौने लाऊंगी। ले लो। मैं आंटी के साथ खाऊंगा। अभी थोड़ा खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। दीदी तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, फिर तुम क्यों उसके पीछे हलकान हो रही हो? डॉक्टर ने कहा नहीं कि तुम्हें आराम की जरूरत है? तुम जाओ लेट जाओ, मुन्ने को मैं खिला देती हूँ। वसंती, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए सिर्फ दूध गर्म करके ले आओ। जरा ठहरिए, मुन्ने को खिला कर ला। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। तुम जाओ आराम करो, दूध वसंती ले आएगी। वसंती, क्या चाहिए आपको? ये सब तुम क्या समझोगी? दस बज चुके, जाओ आराम करो। क्या है जीजा जी? दफ्तर की चंद चिट्ठी टाइप कर। चलिए मैं कर देती। इस तरह से टाइप करते हैं क्या? सॉरी जीजा जी, अब क्या गलती नहीं करूंगी। अब क्या गलती नहीं करूंगी। जानती है महंगाई का जमाना, काले भी चांदी के भाव मिलता। चलो। ये क्या वसंती, आधी रात को हंस हंस के मोहल्ला सर पे उठाते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं दीदी, जीजा जी ने कुछ चिट्ठियां टाइप करने के लिए दी, गलती से सब उल्टा हो गया। जानते हो आजकल इस घर में हर काम उल्टा हो रहा है। आंटी आंटी आंटी, फिर कभी आंटी का नाम लिया तो जबान खींच लूंगी। जैसा पेंट वैसे छाया, बिल्कुल बाप की आदत दिख रहा है। जब से उस चुड़ैल ने घर में पैर रखा, बाप अपनी बीवी को भूल गया और बेटा अपनी माँ को। पहन लो। नहीं पहनोगे, नहीं पहनोगे। न जाने उसने कौन सा जादू कर रखा है कि वो भी बेशरम और पागलों की तरह उसके पीछे लगे रहते हैं। गीता, क्यों कह रही हो? रोको अपनी जबान को। नहीं रोकूंगी, मैं भी आज तक खामोशी से सब कुछ देखती रही और दिल में चलती रही, लेकिन सब्र की भी कोई हद होती है। मैं औरत हूँ, कोई पत्थर नहीं जो चुपचाप अपने घर में अपनी आंखों के सामने ये छेड़छाड़ और प्रेम नाटक देखती रहूं। गीता, ये तुम कह रही हो? वो भी वसंती के बारे में? वो तुम्हारी बहन है, अभी उसकी शादी होंगी। ऐसे अनाप शनाप बकर उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहती। मासूम? मासूम समझ के तो मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन मैं ये ना जानती थी कि एक दिन वो मेरी जिंदगी में तूफान लाएगी। अगर वो बेशरम है, बच्चा है, तो आपको तो शराफत से काम लेना चाहिए था। अब मैं समझी, आप दोनों ने मुझे जबरदस्ती बीमार बना के क्यों बिठा रखा? चुप रहो। कैसे चुप रहो? बहन ना समझे, मूर्ख है, लेकिन आपके अकल को क्या हुआ? बीवी के होते हुए उसकी छोटी बहन के पीछे भागना, छीन लिया घर है या कोई? बेशरम,
शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करती हूँ? भगवान के लिए आप दीदी पर हाथ न उठाइए। नहीं नहीं, आप बेशक मुझे जान से मार डालिए, मैं आपकी दीदी हूँ, आपका मुझ पर अधिकार है। आप मुझे गले लगा ले या जान से मार डाले, ये कौन होते रोकने वाले? कमबख्त, तू औरत नहीं नागिन है, कोई तुझसे प्यार भी करे तो तू उसे डसेगी। जीजा जी, क्या आप चाहते हैं कि दुनिया हमारा तमाशा देखे? मेहरबानी करके आप अंदर चले जाइए। दीदी, झूठ को सच समझकर अगर तुम इस तरह लड़ती रहोगी तो क्या दुनिया हम पर हंसेगी नहीं? क्या हमारे खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिल जाएगा? जहां तक मेरा संबंध है, मैंने कोई पाप नहीं किया दीदी, सिवाय इसके कि मैंने इस संसार में लड़की के रूप में जन्म लिया। वसंती, 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 गीता, 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 वसंती कहाँ? होगी कहीं, शायद ऊपर। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, जिंदगी में मेरी एक ही कामना थी कि तुम्हारे खुशी अपनी जिंदगी बसर करो, लेकिन तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया है कि मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रही हूँ, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि किसी दिन तुम्हें यह पता चल जाए कि मैं निर्दोष हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। वसंती घर छोड़ के कहीं चली गई। क्या गीता, अब ठंडक पड़ी है तुम्हारे दिल में? देखा, तुम्हारे बेहुदा शक करने की वजह से आज वो घर छोड़कर चली गई। अपनी बहन पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे सीने में तिल है या पत्थर? चुप रहिए, उसके दिल में चोर था, अगर वो सच्ची होती तो घर छोड़ के क्यों जाती? गीता, दिल में चोर था, वो बच्चलन थी, वो लक्ष्मी थी, ठीक है लक्ष्मी, जिसको तुमने ठुकरा दिया। ये पाप जो तुमने किया है, मैं तो क्या भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। गीता, वसंती का ये खत पढ़ो, पढ़ो इसे। इस खत का एक एक लफ्ज उसकी सच्चाई के मोतियों से जड़ा हुआ है। पढ़ो इस बलिदान की कहानी को और सोचो, जो गंगा के समान पवित्र थी तुमने उसे गंदी नाली कह के पुकारा, जिसने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर तुम्हारी मांग में भरा, तुमने उसी के माथे पे कलंक का टीका लगा दिया। तो सुनो, आज मैं तुम्हें बताता हूं, वसंती मुझसे प्यार करती थी गीता, मुझे पूजती थी, हम दोनों एक हो जाना चाहते थे, लेकिन जब कभी मैंने शादी का जिक्र भी किया, वो हमेशा यही कहती थी, जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती वो अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसी तरह कई दिन बीत गए, और एक दिन जब उसे तुम्हारे दिल का हाल मालूम हुआ, तो अपना प्यार का वास्ता देकर मुझे उसने मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम्हें अपना लूं। तुम्हारी खुशी अपना फर्ज समझकर उसने अपने अरमानों का गला घोंट दिया और अपना प्यार तुम पर निछावर कर दिया। एक ऐसी कुर्बानी थी जो कभी न किसी ने की है न कोई करना चाहेगा। वसंती एक देवी थी जिसे तुमने बदचलन, बेहया और न जाने क्या क्या कहकर उसकी आत्मा को दुखी किया।
जो बात तुमने किया है गीता, अगर 100 जन्म भी लोगी ना तो कभी धोया नहीं जाएगा। बसंती, तू तो कहा करती थी दीदी का प्यार ही तेरे लिए दुनिया में सब कुछ है, ले देख आज तू धोखा खा गई बसंती, तू धोखा खा गई। क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी तक मैं अंधेरे में थी, सबने मुझे पागल बना रखा था, जिसकी मुझे अपने दिल से पूजा करनी चाहिए थी उसको मैंने अपने पांव से ठोकर जाइए जाइए मेरे वसंती को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, जब तक मैं उसके कदमों में गिरकर अपने पाप का पश्चाताप नहीं करूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी, जाइए उसे ढूंढ कर लाइए, जाइए। कहां से ढूंढ के लाओ, और अगर वो मिल भी गई तो उसे किस मुंह से कहूं इस घर में वापस आने का। मैं वसंती का दिल जानती हूँ, जब आप उसको ये कहेंगे कि तेरी दीदी तुझे देखने के लिए तड़प रही है तो उसका प्यार भरा दिल फौरन मुझे माफ कर देगा, वो जरूर आ जाएगी, जाइए ना ढूंढ कर लाइए, जाइए। कोशिश कर चुका हूं कहीं पता नहीं चलता, क्या वो अब कभी नहीं मिलेगी? भरोसा रखो मैं कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ निकालूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, चल सो जाओ। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, जरूर तुम कोई खुशकिस्मत हो जो बच गई। खुशकिस्मत होती तो मौत ना आ जाती। ऐसा क्यों कहती हो बेटी, शायद तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिसे खबर कर। रिश्तेदार? नहीं नहीं, मैं अनाथ हूँ। अनाथ हो तो इससे ज्यादा कुछ ना पूछिए, मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मुझे। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं पूछूंगा, तुम आराम करो बेटी, आराम करो। गीता, उसमें भी कहाँ है? पहले शांति से मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन लो? मैं जानती हूँ अब वो कभी मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं उसकी बहन होकर भी ये ना समझ सकी, वो मुझसे उम्र में छोटी होते हुए भी खूब ही मैं कितनी बड़ी। ये क्या कर रही है? रो नहीं, वसंती को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम ये दवाई पी लो। सुनिए, अगर और किसी तरह पता नहीं चला तो अखबार में इश्तेहार दे दीजिए। इश्तेहार? उसमें लिखूंगा क्या? बस मेरी तरफ से इतना लिख दीजिए, बसंती तुम्हें समझे बगैर मैंने भूल से तुम्हारा दिल दुखाया है, अब मेरी आंखें खुल गई है, इस भूल के बदले में मैं तुम्हें अपना सारा सुख सारी खुशियां दे सकती हूँ, लेकिन तुम जहां भी हो लौटो बसंती, लौटो, मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, जाइए ये इश्तेहार फौरन दीजिए। दे दूंगा, पहले तुम ये दवाई तो पी लो। दीदी जी, मैंने ये गुलदस्ता ठीक बनाया है ना? हाँ ठीक है। बेटी, तुमने जितने पौधे मंगवाए थे मैं सब ले आया हूँ। अच्छा, जहां जहां लगाने हैं मैं बाद में बताऊंगी। बेटी, तुमने तो मेरे घर को एक फुलवारी बना दिया है। अरे, अभी तुम्हारा ये घाव अच्छा नहीं हुआ? जब दिल की चोटों को चैन आ गया तो शरीर के घाव क्या चीज है।
बाबूजी। हाँ। मैं नहीं जानती कि आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुका सकूंगी। अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, मैं आपको और कष्ट देना नहीं चाहती। लेकिन जाओगे कहाँ बेटी? क्या कुछ नहीं है मेरे पास? बेशुमार दौलत है, आलीशान बंगला है, मोटर है, गाड़ियां हैं, ये सब कुछ होते हुए भी कितनी वीरान है मेरी जिंदगी। वसंती, मेरा एक ही लड़का था, वो भी 3 बरस हुए मुझसे खफा होकर कहीं चला गया। तुम समझ सकती हो कि कितना दर्द होगा मेरे दिल में, कितनी बेचैन होगी मेरी जिंदगी। बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे भटके हुए मन को शांति मिल सकती है। अगर तुम इस घर को अपने पिता का घर समझकर यहीं रह जाओ तो शायद मेरे सोने दिन रात फिर से आबाद हो जाए। समझी बेटी, समझी जी। ये तुम्हारा ही घर है बेटी, तुम्हारा ही घर है। गीता, बसंती की बहुत तलाश की, अखबारों में इश्तहार भी दिए फिर भी वो नहीं मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दवाई पीने से इनकार कर दो। अब दवा पीकर क्या करूं? देखो गीता, और किसी के लिए ना सही, कम से कम इस छोटी सी जान के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। एक बुझी हुई आत्मा को लेकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। जो पाप मैंने किया उसे मैं जीते जी नहीं भूल सकती। क्या कह रही हो गीता? अब तो आपसे मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है, जब कभी वसंती मिल जाए मेरी तरफ से क्षमा मांग कर उसे मेरे राजा की मां बना दे। गीता, कहिए क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? गीता, क्या कह रही हो गीता? धीरज रखो, तुम्हें तो ऐसी बातें सोचने भी नहीं चाहिए। मुझे वचन दीजिए गीता, मुझे वचन दीजिए, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या कह रही हो गीता? मुझे वचन दीजिए, तुम्हें वचन देती हूँ, मैं वसंती को राजा की मां बनाऊंगा। अब मेरा जन्म सफल राजा, राजा गीता। आपका तार? मेरा तार? तुम्हें खोल कर पढ़ो ना। पढ़ पढ़। Arriving tomorrow morning, please. बाबू। बाबू, मेरा बच्चा कल आ रहा है। मेरा बच्चा आ रहा है बसंती, मेरा बच्चा आ रहा है। देखा तुमने, जब से तुमने इस घर में कदम रखा है मेरी दुनिया ही बदल गई। अब मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। नमस्ते छोटे बाबू, अच्छे तो है आप? अच्छा, तुम सब लोग कैसे? सब अच्छे हैं। सुखिया जी, गाड़ी का सामान अगर अंदर रखो। बहुत अच्छा सुखिया। श्याम, ये वसंती है और ये है मेरा बेटा श्याम। नमस्ते। नमस्ते। आगे आप? हाँ बसंती, एक जरूरी काम है तुमसे। आइए बैठिए। बसंती, सुना है
तुमने पिताजी से कहा कि तुम एक अनाथ लड़की हो, ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। श्याम बाबू, जब मुझे मेरी बड़ी बहन ही न समझ सकी तो और कोई क्या समझेगा? अनाथ ही तो हूं मैं। बड़ी बहन, लेकिन उसके लिए तो तुमने अपने प्यार का बलिदान दिया था। हाँ, लेकिन एक दिन उसी के मन में ये बात आने लगी कि मैं उसका चैन लूटने आई हूं। क्या करती, चुपके से घर छोड़कर चली आई। बसंती, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुमसे फिर मुलाकात होगी। मैंने भी यही समझा था। और तुमने पहले पहल मुझे यहां देखकर सोचा होगा कि शायद मैं फिर तुम्हारे रास्ते में एक दीवार बनने आ गया हूं। तुम सहन सी गई थी। नहीं, वो डर तो उसी दिन मेरे दिल से निकल गया था जब आप चुपके से मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़कर चले गए थे। आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि आप क्या हैं, कितना उजला मन है आपका। वसंती, तुमने मेरे बारे में जो कुछ सोच रखा है, मैं हमेशा वही रहूंगा। तुम किसी डर के बगैर इस घर में रह सकती हो। यहां तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। यही कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। अच्छा, मैं जाता हूं। दादी, मम्मी कहाँ है? आपने मुझे बुलाया बाबू से? हाँ बेटी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहिए। वसंती, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। लेकिन बात क्या है बाबू? तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा लौट आया, अब मैं उसे ऐसी जंजीरों में जकड़ देना चाहता हूँ कि वो फिर कभी इस घर से बाहर जाने का नाम न ले। मैं उसकी शादी कर देना चाहता हूँ। तो ये कौन सी बड़ी बात है बाबूजी? कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लीजिए, शादी हो जाएगी। लड़की तो तलाश कर ली है मैंने। अच्छा? हाँ बेटी, उस लड़की से ज्यादा सुंदर मुखड़ा और खूबसूरत दिल और किसी का नहीं हो सकता। बसंती, शायद तुम्हारा जन्म ही मेरे शाम के लिए हुआ था। बस यही एक ख्वाहिश है मेरी बसंती, अगर तुम हाँ कह दो तो जहां मैंने दुनिया में इतना कुछ देखा है, अपनी आंखों से ये शुभ काम भी देखता जाऊं। कहो बेटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इस घर की रौनक बनोगी? क्या तुम मुझे ये अधिकार दोगी कि मैं दुनिया के सामने अपना सर उठाकर ये कह सकूं कि ये देवी मेरी बहू? माफ कीजिए, मैं इस बात का जवाब अभी नहीं दे सकती। मुझे गलत न समझिए बाबूजी, गलत न समझिए। बसंती, पिताजी ने जो कुछ भी कहा है मैंने सुन लिया है। पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार के जोश में वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि तुम्हारे दिल की हालत क्या है। भूल से उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। ऐसा मत कहिए। नहीं बसंती, शादी कोई गुड़ियों का खेल नहीं, ये अमर बंधन है। मैं नहीं चाहता कि तुम पिताजी के दबाव में आकर मुझसे शादी करो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करो। आखिर गृहस्थी ही तो हर लड़की की मंजिल होती है। श्याम बाबू, इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच सकती, कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर मेरे मन में कभी भी शादी का विचार आया तो आपसे अच्छा और कौन हो सकता है?
अभी आती हूँ मम्मी, अभी आती हूँ बेटा, तू सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। नहीं जाएगी राजा, बेटा तू सो जा, मैं तुझे अच्छे अच्छे खिलौने लेके दूंगा, सो जा। मुझे छोड़ के चले गए, देख कहीं तू न चले जाना, मुझे कभी छोड़ के मत जाना मेरे बच्चे। डैडी दिवाली का तोहफा, मामूली सी एक साड़ी है। इस तकलीफ की क्या जरूरत है? शुक्रिया। वसंती, तुम्हें समझे बगैर मैंने भूल से तुम्हारा दिल दुखाया है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। इस भूल के बदले में मैं तुम्हें अपना सारा सुख, सारी खुशियां दे सकती हूँ। तुम जहां भी हो लौट आओ वसंती, लौट आओ। गीता तुम्हारे लिए तड़प रही है, तुम्हारी बहन। वसंती, सोच लो, वही बहन जिसने तुम्हें दोषी ठहराया आज तुमसे क्षमा की भीख मांग रही है। लेकिन जब तक तुम कुंवारी रहोगी सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि सारी दुनिया तुम्हें शक की नजरों से देखेगी। वसंती, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन खुशी खुशी अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करे तो उसके पास अकेली मत जाना बल्कि अपने जीवन साथी को लेकर जाना। यही एक रास्ता है जो उसकी भीगी हुई आंखों को हटा सकता है। वसंती, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो जिंदगी के रास्ते में भटक जाओगे। वसंती, नैया कुछ भी हो, खिवैया के बगैर कुछ भी नहीं, भटको नहीं वसंती, शादी कर लो। यही एक रास्ता है जो गीता से तुम्हारा मिलाप करा सकता है। फैसला करो, फैसला करो वसंती, फैसला करो। अगर मेरे मन में कभी भी शादी का विचार आया तो आपसे अच्छा और कौन हो सकता है। उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता
एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। बाहर तो उजाला है मगर दीप जलाए हम, तकदीर ही काली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। लेकिन किसकी इजाजत से आप बंगले के अंदर आए भाई? इजाजत की जरूरत है, हमको पानी की जरूरत थी और गाड़ी को भी थी, हमने गाड़ी से पानी नहीं लिया। लेकिन आपने हमारा पाइप तोड़ दिया है, चलिए बीबीजी के पास। बीबीजी के पास? हाँ। अब क्या होगा? अरे काई का, तुम डरती क्यों है? बीबीजी बीबीजी के पास हमने आता है। हाँ, हमको इसी गाड़ी में सूरत जाना है। ये लो तुम्हारा पाइप, जाओ। ए भाई, आप अंदर आते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस,
नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसी बात नहीं है, आप ठहरो जरा, मैं बीबी जी से मिलके आता हूँ। चलो पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ चलो। मिली मामी। अरे भाई पुलिस का नाम क्यों लेते हो? अच्छा नहीं है पुलिस को बुलाने के लिए ऐसा। अरे वसंती आइए आइए। अरे तुम यहाँ रहती हो? राजू भी यही है। आप अंदर से चलिए, आराम से बैठ के बात। चलिए चलिए ठहरो ठहरो, मेरी बीबी और मेरी बेबी मोटर में है, मैं उनको लेके आता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं शहर छोड़कर चला जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वसंती, राज और गीता के बगैर ये शुभ काम हो भी कैसे सकता है? मुरली बाबू, कुछ बात ही ऐसी है कि मैं उन्हें शादी से पहले खबर नहीं दे सकती। अरे भाई तुम खबर नहीं दे सकती लेकिन खत तो लिख सकती हो। नहीं, मैंने ये फैसला किया है कि शादी के दूसरे दिन ही मैं और वो दीदी और जीजाजी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, लेकिन तब तक उन्हें खबर न देने का कोई कारण है। राज, मैं ये खत जल्दी में लिख रहा हूँ। बड़ौदा से गुजरते हुए वसंती से मिला। वसंती? बड़ौदा से गुजरते हुए वसंती से मुलाकात हुई और ये पता चला कि उसकी शादी तय हुई। शादी? वसंती, उसने मुझे ताकीद की थी इस बात की खबर में तुम्हें होने दो, लेकिन एक दोस्त के नाते मुझे खबर देने समझा। शादी की तारीख इस महीने की 18 है और पता है शांति निवास गांधी रोड बड़ौदा। फौरन चले आओ तुम्हारा दोस्त मुरली। 18 तारीख?
राजा, मेरे राजा। वसंती, गीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें राजा की मां बनाऊं, तो मैं राजा को छोड़ने जा रहा हूं। हम दोनों की तरफ से तुम्हारी शादी का नजराना। नजराना दिए जाता है।